जय भीम साथियों, मैं संतोष कुमार से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो रविदास जयंती जो मनाया जा रहा है, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में पड़ता है, एक प्रभुपुर गांव है, वहां पे ये धूमधाम से रविदास जयंती का आयोजन किया गया है। और यहां पर बहुत बहुत से लोग धूमधाम से मनाते हैं। और महज यहां से 40-50 किलोमीटर की दूर अगर मैं रविदास जी के मैं जीवन के बारे में मैं बात करना चाहूं, तो मैं यहां इस गांव से 40-50 किलोमीटर दूर उनका जन्म हुआ था। और यदि उनके बारे में हम बताएं तो वाराणसी जिले के सीरपुर गोवर्धन गांव में उनका जन्म हुआ 1376 के दशक में। और उनके जो पिताजी थे वो एक सरपंच थे, कई गांव के सरपंच थे। और उनका जो व्यवसाय था, उनका एक मोची का व्यवसाय था उनके पिताजी का, जो कि जो जानवर जो मर जाते थे उनके खाल को निकाल करके वो जूतों और चप्पल का कारोबार करते थे। और वही कारोबार रविदास जी के जहन में आया, उन्होंने संभाला उस कारोबार को। जब उनके पिताजी नहीं रहे तो उन्होंने उस कारोबार को संभाला। और जैसा कि माना जाता है कि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ पे उस समय जुआछूत का काफ़ी प्रकोप था, तो उन्होंने काफ़ी समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि अब मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो धूमधाम से इस गांव में मनाया जाता है, इस प्रकार से मनाया जाता है और हर साल ही मनाया जाता है। जैसा कि आज मुझे मौका मिला इस गांव में निरीक्षण करने का, और वो मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। और काफ़ी ये जो रविदास जी की जो मूर्ति है वो पूरे गांव में घुमाई जाती है, और काफ़ी धूम धड़ाके के साथ में ये घुमाई जाती है। और भी आगे के प्रोग्राम के लिए बने रहिए भोजन मीडिया से। मैं संतोष कुमार अम्बेश, जय भीम, नमो बुद्धाय। नाटक के माध्यम से, और एक ट्रेलर है, एक नाटक है, और कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, क्या है ये? एक देश में बहुत आतंकवादी हो चुके हैं, इसीलिए इसको बांध रहे हैं हम। जी हाँ, ये बहुत ही अहम मतलब मुद्दा जो मतलब चल रहा है, जो अपने भारत सीमा पे जो कुछ आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था, आज वो फिल्म देखने को मिला है। और ये सच में ही मतलब एक संदेश जाता है कि किस तरीके से टेररिज्म का हम खत्मा कर सकते हैं। सर, आपका कौन सा चैनल है? जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ ये कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये लड़का आतंकवादी बना हुआ है, और इसे अपने देश का जो वो जो फौजी भाई हैं उसको पकड़ के मतलब कि पीट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश में ये संदेश जा रहा है कि ये आतंकवादी अगर घुसपैठ करते हैं अपने भारत पे तो कई बक्से नहीं जाएंगे, वो कतई बक्से नहीं जाएंगे, उनको मौत और जवाब दिया जाएगा। जैसा कि संत शिरोमणि जो जयंती है मनाया गया, जो गांव-गांव में कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उनमें ये भी मैसेज देखने को मिला। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मैसेज दिखा रहे हैं कि मतलब कि देशवासियों की कोई भी हो देश में आतंकवादी अगर घुसपैठ करता है तो
अपना भारत का जो फौजी है और अपने जो सैनिक बल है वो छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक देखें ये पब्लिक भी जुटी हुई है, ये भी मैसेज दे रही है कि पब्लिक अगर मिल जाएगी, पब्लिक के बीच में अगर आतंकवादी आ गया तो पब्लिक भी नहीं छोड़ने की। तो ये मैसेज है आज देखने को मिला। जैसे कि ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर प्रभुपुर गाँव है, वहाँ पर ये देखने को मिला कि ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो कि देशवासियों को पहुँचाना है। देख रहे हैं कि जैसे कि जय भीम के भी नारे लग रहे हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये जो कौन से समाज के लोग हैं वो भी क्रांति के लिए आ गए हैं सामने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बहुजन समाज एकजुट हो चुका है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मतलब कि ये संदेश लोगों में, ये भारत के लोगों में ये संदेश दिया जा रहा है कि हम टेररिस्ट को हम कैसे किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो ये बम लिया है भारत, देखिए मतलब कि एक छोटे से नाटक के माध्यम से ये संदेश पूरा साफ साफ जा रहा है कि मतलब कि किस तरीके से नक्सल का और आतंकवादी का खत्मा कर सकते हैं। जी गंगा जी और पंडित जी। अच्छा हाँ तरीके से सभी लोग सभी जाति के लोग मिलकर के मनाते हैं। तो वही ये गांव में देखने को मिला।